हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में जहां हम कवर करेंगे बुद्धिज्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने जैनिज्म कवर किया था और हमने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। रिसेंटली दो साल में इस टॉपिक से अपने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, पर ट्रेडिशनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। और स्पेसिफिकली बुद्धिज्म के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं वो आपको बाकी क्वेश्चंस को भी एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस ना भी बने तो बाकी क्वेश्चंस के ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपने बुद्धिज्म को ठीक से कवर किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले बुद्धिज्म, आप मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, प्रीलिम्स बहुत पास है। मुझे ये बताइए कि बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध थे इनको किस पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कौन से पेड़ के नीचे जैनिज्म के महावीर जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत ही इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है, पर कितनी क्लैरिटी है वो आपको पता लगेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कौन से पेड़ के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां किस नदी के किनारे हुई थी। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और अक्सर यही क्वेश्चन के ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी रिवर का नाम एसोसिएटेड है गौतम बुद्ध के साथ, कौन सी रिवर का नाम एसोसिएटेड है महावीर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्धिज्म की बात आती है कि हम जो एरियाज फोकस करेंगे वो है ओरिजिन, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जैनिज्म, आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म। तो ये पांच चीजें हम प्रोमिनेंटली डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहली चीज है व्हाई इट केम इनटू बीइंग, बुद्धिज्म क्यों राइज किया उस पीरियड ऑफ टाइम में। एक ही टाइम पे आपको पता है महावीर और गौतम बुद्ध दोनों कंटेम्प्रेरीज थे, एक समय में ही जीवित थे। तो क्या वजह थी जिसकी वजह से आप देखते हैं बुद्धिज्म का उदय हुआ इस पर्टिकुलर समय में। ऑरिजिन को लेके आपको याद रखना है कि जो प्रमुख चीजें थी उनमें से आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रीजन थे कौन से रीजन नहीं थे। तो प्राइमरी रीजन वॉज दिस अ फेज ऑफ राइज ऑफ लेट्स से ट्रेड। तो यस, ट्रेड का शुरुआत उस टाइम हो रही थी और ट्रेडिंग क्लास काफी मजबूत हो रही थी। जो ट्रेडिंग क्लास की स्ट्रेंथ थी वो बड़ी थी, रूलिंग क्लास को भी एक इक्वल स्टैंडिंग चाहिए थी विद ब्राह्मण्स, क्योंकि क्षत्रियाज के पास उतनी जो सैंक्टिटी थी, जो जिसे कहते हैं रिलीजियस सैंक्टिटी, वो उनको इक्वालिटी का पद नहीं मिला हुआ था। तो इसीलिए जो क्षत्रियाज थे या जो वैश्यास थे, जो ट्रेडिंग क्लास थी, उन्होंने काफी सपोर्ट किया था बोथ जैनिज्म और बुद्धिज्म को, जो हमने जैनिज्म के टाइम में भी पढ़ा। वो एक प्रोमिनेंट रीजन था जिसकी वजह से हम देखते हैं इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो उस पीरियड में हिंदुइज्म का स्ट्रक्चर था या ब्राह्मणिज्म जिसे हम कहते हैं, कई टेक्स्ट में लिखा है, उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत हद तक ऐसा था जो रिचुअलिस्टिक था। काफी मुश्किल था एक आम व्यक्ति को उस धर्म को फॉलो करना, कई सारे कर्मकांड हुआ करते थे, सेक्रीफाइसेस हुआ करते थे। इसके बाद इश्यूज था विद टर्म्स ऑफ वर्ण सिस्टम, जो और ज्यादा बढ़कर कास्ट सिस्टम और जरा फैल चुका था, इक्वालिटी की भावना कम हो रही थी। तो वहां पर जो एक गैप था उसको फुलफिल करने के लिए सोसाइटी में आप देखते हैं राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो जो कास्ट सिस्टम है वो पॉइंट आ गया, जो सोशल सिस्टम है उसके चेंजेस की बात आ गई, जो टीचिंग्स थी, जो रिचुअल्स थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे, संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे कि एक आम व्यक्ति को समझने में काफी दिक्कतें आती थी अगर वो लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट का हो। तो उसी बीच में यहां पर राइज हुआ बुद्धिज्म का, जिसने कोशिश करी कि चीजों को सिंप्लीफाई करे, लोगों की भाषा में बोले। दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म की खास बात यह है कि पाली और प्राकृत लैंग्वेज को फॉलो किया गया कंपेयर टू संस्कृत, जो पढ़ने सबको नहीं दिया जाता था पहले के समय में, और लोकल भाषा प्राकृत और पाली हुआ करती थी। उसी भाषा में आप जैनिज्म बुद्धिज्म की राइज को देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा है अच्छा इस वजह से यहां पर यह पॉपुलैरिटी इनकी इसलिए इतने कम टाइम में हुई। सोसाइटी में एक और बात थी कि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, ट्रेडिंग क्लास उभर रही है, रूलिंग क्लास अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ावा देना चाहती है। और उस समय में जो मगध का रीजन था स्पेसिफिकली, उसको आर्यवत से बाहर माना जाता था, जो मगध किंगडम था उसको आर्यव्रत के रीजन से बाहर कंसिडर किया जाता। तो वहां के रूलर्स के अंदर भी एक भावना थी कि यार बड़ी समस्या है, कुछ नया, अगर कोई एक नया ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर आए तो उसको सपोर्ट कर रहे, करना चाह रहे थे, और इसी वजह से यहां पर ये शुरू हुआ और ये रिलीजन और ज्यादा सपोर्ट इसको मिला। पॉपुलैरिटी रूलिंग क्लास की क्यों आई पता होगी, ट्रेडिंग क्लास की क्यों आई पता होगी, और आपको आम जनता में क्यों पॉपुलर हुआ वो आपको पता लग गया। तो इसकी पॉपुलैरिटी का जो कोर रीजन है हम डिस्कस करें, क्या ये लिबरल था ज्यादा, हाँ लिबरल था, डेमोक्रेटिक रिलीजन था थोड़ा ज्यादा, हाँ डेमोक्रेटिक भी था, और कंप्लीटली एलियन भी नहीं था वहां की जनता के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ आई डिस्कस क्रिश्चियनिटी, इसी पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप, हालांकि क्रिश्चियनिटी के बाद उस टाइम में और इस्लाम एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर अगर आप कंपेयर करें उनसे तो जो रिलीजन है बुद्धिज्म का वो उतना ज्यादा एलियन नहीं है, जो उसकी बातें हैं वो
आम भाषा में है, लोग समझ सकते हैं, उनके आसपास का वहीं का रिलीजन था, तो इसलिए पॉपुलैरिटी वहां भी बड़ी लिबरल था, डेमोक्रेटिक था, इजी लैंग्वेज थी, गौतम बुद्ध की पर्सनैलिटी ऐसी थी जिससे काफी लोग प्रभावित हो रहे थे और उनकी काम प्रेजेंस और वो जो बातें करते थे उसको लेकर काफी लोगों में बदलाव की भावना है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए। अब मुझे एक बात बताइए, ये बातें बहुत ही कॉमन सी लग रही हैं, मुझे ये बताइए बुद्धिज्म के कई सेक्ट्स हैं जैसे महायान हो गए या हीनायान हो गए, मुझे बताइए जो बुद्ध जो अशोक थे वो कौन से बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, महायाना या हीनायाना, जो हर्ष थे उन्होंने किसको पैटर्नाइज किया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए क्योंकि ये आपकी बुक्स में है, तो वो सब हम करेंगे आगे। इससे पहले ये देखते हैं कि भाई रॉयल पैट्रोनेज किसने किसने दी, तो प्रसेनजीत से लेके बिंबिसार, अशोक, कनिष्क और हर्ष, यहां तक कि इसके बाद अशोक की वजह से ये बाकी देशों में श्रीलंका तक फैला, जहां हम देखते हैं महावंशा और दीपवंशा भी लिखी गई बाद में, जो लिटरेचर टेक्स्ट है नॉन कैनोनिकल, जहां बातें की गई बुद्धिज्म और बाकी की चीजों के बारे में, अशोकन एम्पायर के बारे में, जो श्रीलंकन टेक्स्ट था। फिर बुद्धिज्म वॉज इनएक्सपेंसिव क्योंकि सेक्रीफाइसेस नहीं होते थे, एक्सपेंसिव रिचुअल्स नहीं थे, जो वैदिक रिलीजन से काफी डिफरेंट था। तो ये कोर चीजें हमने देखी हैं कि भाई क्यों ये इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो इसके अगर आपको मिले कि कॉम्प्लेक्स रिलीजन था बुद्धिज्म, तो नो इट वॉज नॉट कॉम्प्लेक्स, क्या बहुत ज्यादा डिबेट और फिलोसफी में घुस रहा था ये रिलीजन, तो नहीं, सिंप्लीफाई किया था प्रोसेस को। गौतम बुद्ध एंड बुद्धिज्म वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन किस चीज में, टॉकिंग अबाउट गॉड, टॉकिंग अबाउट अगला जन्म या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है उनमें कम वो इनिशियली वहां पे उसके ऊपर बात करते थे उस समय में। बाद में जैसे रिलीजन और ज्यादा फैला तो हम देखते हैं वो भी रिचुअलिस्टिक हुआ, उसमें बदलाव हुए। तो जब भी आप बुद्धिज्म के क्वेश्चन को देख रहे हैं ये मत सोचिए कि अभी क्या हो रहा है, भाई अभी वहां भी मूर्ति पूजा हो रही है, वहां भी अभी आप देख रहे हैं रिचुअल्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, पर उस समय में ये रीजन कंपैरेटिवली सिंपल था, आसान था, रिचुअलिस्टिक नहीं था, इसलिए इसकी फॉलोइंग ज्यादा हुआ करती थी। ये बेसिक बातें होगी पॉपुलैरिटी की। अब बेसिक फिलॉसफी की बात आती है, क्या फिलॉसफी थी बुद्धिज्म की, बुद्धिज्म की फिलॉसफी आप जैनिज्म से कंपेयर करिए, व्हाट दे आर बिलीविंग इन, आजीविका की हमने बात की थी जैनिज्म के लेक्चर में भी, तो जो बुद्धिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट था वो ये था कि निर्वाणा, या फिर जिसको सही शब्द में लिखे तो निब्बाना था, ये यानी आपको बना मतलब होता है क्रेविंग्स, डिजायर्स, तो उससे मुक्ति पाना मेन मकसद होता है आपकी जिंदगी का, ये था कोर फिलोसफी तरह से देखे जाए तो बुद्धिज्म की। और ये पूरी की पूरी इनकी जो फिलोसफी रही वो किस पर बेस्ड थी, जैसे जैनिज्म में पहले भी तीर्थंकर आए थे, बुद्धिज्म में तीर्थंकर नहीं आए थे, गौतम बुद्ध की टीचिंग पर मोस्टली ये चीजें अवस्थित थी। अब यहां एक पॉइंट ये आता है कि क्या हमें डेट याद करनी है, नहीं, पर हमें आइडिया होना चाहिए भाई किस टाइम की पीरियड की बात हो रही है। 563 BC वाज द टाइम व्हेन ही वाज बॉर्न, तो आप अराउंड इस पीरियड के आसपास की बात कर रहे हैं, ये याद रखिए। तो अशोक इस समय में नहीं है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना ऑप्शन में, ये क्लैरिटी थोड़ी सी डेट वाइज आपको होनी चाहिए। इसके टाइम में ये चीज थी, एक और चल रही थी एक्सट्रीम वर्जन रिलीजन का, जो इन्होंने क्या किया, एक मॉडरेट वर्जन लेके आए कि भाई अब ये सिस्टम फॉलो करो, चीजें मॉडरेट होंगी, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई आप दो एक्सट्रीम को बस फॉलो मत करो, जो कि थे एब्सटिनेंस को फॉलो करो और एस्टिसिज्म को फॉलो करो। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई क्या बुद्धिज्म फॉलो करने के लिए संघ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इन्होंने फॉलो क्या कहा कि भाई अब दो एक्सट्रीम को आपको अवॉइड करना है और इसको फॉलो करना है, लेकिन क्या सबको ऐसा फॉलो करना है, तो नहीं, मॉन्क्स में और फॉलोअर्स में फर्क था, क्या डिफरेंस था वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक जो क्वेश्चन, जो मेन फिलॉसफी इनकी रहती है निर्वाणा की, और दूसरी क्या थी, मध्यम मार्ग, जिसे आप कहते हैं अष्टांगिका मार्ग की बात भी करते हैं कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए। मध्यम मार्ग मतलब एक्सट्रीम से बच के रहना है। और यही एक क्वेश्चन फिर आता है जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म में, जैनिज्म वॉज एक्सट्रीम इन सम ओरिएंटेशन, किस हिसाब से एक्सट्रीम थे जैनिज्म में, कि आप देख रहे हैं कि वो हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा की बात गौतम बुद्ध ने भी की है, लेकिन जैनिज्म में अहिंसा अगेंस्ट एनी एनिमल, तो आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म फॉलो करेंगे, आप किसी भी चीज को हानि नहीं पहुंचाएंगे, इसका मतलब कि आप खेती भी नहीं कर सकते ठीक से फिर, तो क्योंकि उसमें जमीन को वो अगर हल चलाएंगे तो वहां
लोगों कुछ जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो कई सारी चीज़ें थी जो बुद्धिज्म के में ज़्यादा मॉडरेट थी कंपेयर टू जैनिज्म। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो मध्यम मार्ग था, बीच का रास्ता पकड़ो, वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, काफ़ी अट्रैक्टिव था उस समय में। इससे आगे बढ़ने से पहले कि भाई हम और आगे डिस्कस करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा कोर्स प्रारंभ आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जहाँ हमने कोशिश करी है आपको हर चीज़ की सॉल्यूशन दी जाए, चाहे वो NCERTs हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे CSET के लेक्चर्स हो। जो एक शेड्यूल की कमी होती है, जो प्रॉब्लम्स आती है विद टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या प्रॉब्लम्स आती है कि आपको पता नहीं लगता कि इतने टाइम टाइम में कैसे प्रिपेयर करें, किन एरियाज पे फोकस करें। गाइडेंस की कमी होती है, बुक्स बहुत सारी मार्केट में पड़ी हुई है, तो उसको एक जगह कंसोलिडेट कर बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाएगा। वीकली टेस्ट सीरीज की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात हो गई, ओवरऑल प्री से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक जो भी सपोर्ट और जो भी सिस्टम आपको चाहिए, वो सारा सिस्टम और सपोर्ट इस प्रारंभ प्रोग्राम में आपको मिलता है, जिसमें कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप जरूर कंसिडर करिए हमारे प्रारंभ प्रोग्राम को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट पे, जहां हम थे कि भाई क्या कोर फिलॉसफी थी, जो विश्वास किस चीज़ पे किया, निर्वाण आपको चाहिए और आप मध्यम मार्ग फॉलो करेंगे, एक्सट्रीम से बचेंगे जीवन में। दो चीज़ें फॉलो इन्होंने करने कही थी, एस्टेटिज्म और एब्सटेनेंस को, लेकिन नॉट फॉर एवरीवन। आगे गौतम बुद्ध की बात आती है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, फादर कौन थे, मदर कौन थे, क्वेश्चन नहीं आने वाला UPSC में, पर हमें पता होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इनके फादर थे शुद्धोधन, मदर थी महामाया, और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको बाद जो इनकी गौतमी थी, उन्होंने इसको पाला था, प्रजापति गौतमी, जिसकी वजह से इनका नाम गौतम पड़ा था। इनकी वाइफ थी यशोधरा और इनके बेटे का नाम था राहुल। तो ये हो गई एक बेसिक हिस्ट्री। कहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कपिलवस्तु नेपाल में वो जगह है, और इनको जो बोधिसत्व था वो प्राप्त हुआ था बोधगया बिहार में। ठीक है, किस पेड़ के अंदर, पीपल ट्री के नीचे, कौन से क्लैन के थे, तो साक्या क्लैन के थे। मेरा आपसे सवाल है कि लॉर्ड महावीर किस क्लैन के थे, और जैनिज्म का क्या बिलीफ था इन टर्म्स ऑफ कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम, और कैसे डिफरेंट है वो बुद्धिज्म से। ये चीज़ें साथ लेके चलिए तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब इनके टीचर्स थे अलारा कामा और उदरा रामपुत्र। इनके साथ देखिए, इनके जो टीचर्स थे गौतम बुद्ध के टीचर्स, इन सेंस किस तरह के थे, इनके साथ उन्होंने मेडिटेशन किया था। कौन थे वो, अलारा कामा और उदरा रामपुत्र। ये चीज़ें आपको थोड़ी याद नहीं चाहिए कि रामपुत्र और अलारा कामा की जब बात आए तो किस रिलीजियस और किस टीचर से ये एसोसिएटेड हैं, तो गौतम बुद्ध के टीचर कंसिडर किए जाते हैं। साथ में इन्होंने मेडिटेशन किया था, 33 की एज में इनको एनलाइटनमेंट या बौद्धिसत्व प्राप्त हुआ था। नदी थी निरंजना, जिसे हम फल्गु भी कहते हैं, और पहला सरमन दिया था इन्होंने कहाँ पर, सारनाथ के डियर पार्क में, वाराणसी में जो जगह है। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि अभी किसके अंदर आती है, बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर जोड़ी जा चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं वहाँ, अगर आप प्रेजेंट करंट अफेयर्स भी फॉलो करें तो आपको पता है इंडिया का बुद्धिस्ट सर्किट है, जो कि स्प्रेड आउट है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। तो जो की प्लेसेस हैं उनकी रेलेवेंस आपको वहाँ से भी पता लगती हैं। इसके अलावा इनका जो पहले, जो इनके 5 डायसेपल थे, वो महाकश्यप, जो इनके पहले डायसेपल थे उनका भी नाम याद रखिए, जो इनको जब इन्होंने सरमन देना शुरू किया था तब क्या हुआ था, तब धर्मचक्र परिवर्तन की बात की थी, कि मतलब अब धर्म का पहिया चल पड़ा है, क्योंकि व्हील ऑफ लॉ इज टर्निंग नाउ। तो ये कॉन्सेप्ट था जब इन्होंने सरमन दिया था उसके बाद वाला, जो की चीज़ें थी हमने ये पढ़ी, जो फैक्चुअल तरीके से जानकारी थी। अगला सवाल आता है कि भाई महापरिनिर्वाण, जब ये पैदा हुए, व्हेन ही वाज बॉर्न, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, कहाँ पर इनको एनलाइटनमेंट मिली, एनलाइटनमेंट मिलने के टाइम में इनके गुरु कौन थे, इनके डिसाइपल कौन थे, और फिर इनकी फैमिली आ गई बॉर्न होने के टाइम में, फैमिली क्लैन की बात आ गई। ये चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। अब एनलाइटनमेंट मिलने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज़ योर महापरिनिर्वाण। जब इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया कहाँ, साल्ट ट्री के नीचे कुशीनगर में। अब इन्होंने जो रिनन्सिएशन की चाहत रखी थी कि भाई ये राजा हुआ करते थे राजकुमार, ये जो अपने घर से निकले थे, क्यों निकले थे, तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक गरीब, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक लाश को देखा था, उसके बाद ये चल पड़े थे सत्य की तलाश में। तो इसी समय में जब गौतम बुद्ध थे, इनके कुछ कंटेम्प्रेरीज भी थे, इनके प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरीज थे कौन, महावीर जैन, किंग प्रसेनजीत, बिंबसार और अजातशत्रु। अगेन
टाइम पीरियड क्या था, कौन सा पीरियड था मुझे ये बताइए आप। जो टाइम पीरियड है वो आपको मदद किस हिसाब से करता है, वो आपको बताता है कि भाई यहां इस पीरियड में कौन से राजा हुए होंगे, कौन सा किंगडम का टाइम हुआ करता था इस टाइम में। तो ये क्लैरिटी आपको मिलती है कि अच्छा महापरिनिर्वाण इन्होंने किस समय में लिया, अराउंड द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर। तो ये बातें हो गई गौतम बुद्ध के जीवन की। अब बात आती है, देखिए जीवन के हर स्टेज को आपको याद रखना है, कहां पर इन्होंने परिनिर्वाण लिया, कहां ये पैदा हुए, ये सब हमने डिस्कस किया। अब बात आती है अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, जिसके ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा आपका रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म। देखिए जो प्राइमरी चीजें हैं कि जैसे मैंने बताया चीजों को सिंप्लीफाई करके रखा था, ज्यादा सोल गॉड की डिबेट्स में नहीं पड़े, और जो सामाजिक समस्याएं थी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स फोकस उसके ऊपर रखा। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई ट्रांस माइग्रेशन होता है और इम्परमानेंस होता है, ये चीजें आप एनसीईआरटी के हिसाब से मानिए। क्या ये भगवान में विश्वास रखते थे, क्या ये आत्मा में विश्वास रखते थे, तो नहीं, बुद्धिज्म में आत्मा या भगवान पर विश्वास नहीं रखा गया। यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम कोर फिलोसफी, कंफ्यूजन कहां आती है। अब आप आगे महायाना पढ़ेंगे और हीनयान पढ़ेंगे तो वहां डिफरेंस आएगा। महायान में गौतम बुद्ध इज गॉड, इन हीनयान ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। थेरावादा वहां भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार का है। तो जो डिफरेंस बाद में आ रहा है क्रिप्टिन कर रहा है उसको अलग रखिए, जो कोर चीजें चल रही है ठीक है। किस पे फोकस किया था बुद्धिज्म में, कर्म और अहिंसा पर। इनका अहिंसा का कॉन्सेप्ट और ज्यादा एक्सट्रीम नहीं था कंपेयर टू जैनिज्म, जहां ज्यादा एक्सट्रीम था। वन सिस्टम के खिलाफ थे, इन्होंने कहा था दुनिया में बहुत सारा सौरो है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सौरो, मतलब आप उम्मीद लगाते हैं चीजों की तभी आपको कष्ट होता है, और इन्हीं सबसे मुक्ति पाना आपको मिलेगा निर्वाणा से। निर्वाण मतलब आपको फ्रीडम फ्रॉम क्रेविंग, क्रेविंग नहीं करनी है और आप जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बात हो गई, मेन जो कॉन्सेप्ट था उसकी बात हो गई। आगे बात आती है लिटरेरी सोर्सेस की। देखिए जो भी टेक्स्ट की बात आती है, वहां दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट जो डायरेक्टली धर्म के बारे में बात करते हैं, नॉन कैनोनिकल जो उस समय के किंगडम के बारे में बात करेंगे, बाकी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिससे आपको और जानकारी मिलती है रिलीजन के बारे में। जब हम बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो सेलेनीज फोर्स क्रॉनिकल्स में आपको श्रीलंका के पास जो थे उनकी बात आती है, जो महावंशा और दीपवंशा और अत्तकथा की बात आती है, ये सारे जब डेवलप हुए श्रीलंका में डेवलप हुए, जहां आपको अशोकन एम्पायर के बारे में और लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन देखने को मिलती है। किसने लिखी थी, बाय वत्तगमनी। तो महावंशा दीपवंशा किस पीरियड से रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, ये क्लैरिटी आवश्यक है। फिर तिब्बत में फेमस है तो वहां पे आपको दिव्य वंदना और कालचक्र पे आपको मिल रहा है। तिब्बत में अभी प्रेजेंटली कौन सा बुद्धिज्म पॉपुलर है, जरा बताइए मुझे। फिर बात आती है प्राइमरी स्क्रिप्चर्स पे, जो कैनोनिकल टेक्स्ट है उसमें त्रिपटिकास, थ्री बास्केट्स ऑफ बुद्धिज्म की बात आती है। क्या क्या है फेमस, सुत्त पटिकास, विनय पटिकास और अभिधम्म पिटका। तो सुत्त पटिका जहां कोर चीजें हैं, जो भी चीजें रिलेटेड है टू गौतम बुद्ध एंड हिज कंपेनियन, तो कोर चीजें डिस्कस होंगी। विनय पटिका में जो मोनेस्टिक रूल्स थे कि भाई अगर कहीं पर मोनेस्ट हैं तो विहार वगैरह जो हुआ करते थे, वहां जो लोग रहते थे उनके लिए क्या रूल्स होंगे, वो किस तरह जीवन यापन करेंगे, उसकी बातें थी। फिर अभिधम्म पिटिका में जो बुद्धिज्म की कोर फिलोसफी थोड़ी यहां भी डिस्कस हुई है, इसको और ज्यादा नॉर्मलाइज, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया। जो काम हम देखते हैं हिंदुइज्म के टेक्स्ट में उपनिषद करते थे कुछ हद तक, उसी प्रकार यहां आप देख रहे हैं अभिधम्म पिटिका जो चीजें ऊपर एक्सप्लेन की, इसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती है। तो कोर डिस्टेंस, कोर रोल क्या है इनका, ये आपको पता है। फिर जातक का फोकलोर, ये प्राइमरीली जो बुद्धा का पुनर्पिछला जन्म है उसके बारे में बात करता है। फिर आप कहेंगे कि भाई अभी तो आपने मुझे थोड़ी देर बोला कि पुनर्जन्म और इनमें सोल में डिस्कशन की बातें नहीं करी, भगवान में विश्वास नहीं किया। याद रखिए जातक का स्टोरीज जो है ये बाद में आई है, नॉट इन द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्ध। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात मैं वहां कर रहा था, बाद में चेंजेस आ रही है। फिर मिलिंद पन्हो की का फेमस एग्जाम्पल है, जो मिएंडर के साथ बात हुई थी नागासेना की, एक फेमस टेक्स्ट है ये भी, नॉन कैनोनिकल में गिनेंगे इसको हम। तो ये सारे टेक्स्ट दिखाते हैं बुद्धिज्म किस प्रकार से फैला था। और जो तीन प्राइमरी ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, त्रिरत्न, वो कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। फेमस
एक कोट भी है, जब अशोक ने सम्राट अशोक ने जब ज्वाइन किया था बुद्धिज्म तो फेमस था धर्मम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बुद्ध फाउंडर टीचर, धम्म जो टीचिंग्स है, और संघ ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इनिशियली वुमेन अलाउड नहीं थी इसमें, लेकिन बाद में अलाउ की गई। फिर पांच टीचिंग्स जो पंचशील है, तो याद रखिए इनके पंचशील और आपके जैनिज्म के जो थे कोर टेनेंट्स उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको याद रहा तो बहुत ईजी है, कोई एक भी याद रह जाए तो ईजी है, क्योंकि इसके बाद कंफ्यूजन कम होगा आपको कंपेयर टू अगर आपको हिंदुइज्म में कोई ऐसा डाल दो टॉपिक। हिंदुइज्म में ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा, प्राइमरीली आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म में मिलता है, तो ये चीज़ें क्लियर करना बड़ा जरूरी है। तो पहली बात आ गई कि भाई विच वॉज ही, इसने इन्होंने क्या कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक रखा था कि भाई ये फॉलो होना चाहिए फॉर मोनेस्टिक ऑर्डर और कुछ होना चाहिए लेमेन। तो पांच प्रसेप्ट या पंचशील कहा था इन्होंने, नो किलिंग, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एब्सटेनेशन फ्रॉम थेफ्ट चोरी नहीं करनी है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट में हाथ नहीं डालना अपना, झूठ बोलने से बचना है धोखाधड़ी से, और शराब नहीं पीनी है, इंटॉक्सिकेशन से बचना है, मादक पदार्थ से बचना है। पांच बहुत सी कोर सी चीज़ें हैं, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको मादक पदार्थ नहीं करना है, आपको सेक्सुअल मिसकंडक्ट में नहीं जाना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बात की गई हैं इस पीरियड ऑफ टाइम में बाय इन इज पंचशील। जो सोचिए ये फॉलो करना तो कंपेरेटिवली ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो जो व्यक्ति लेमन भी है वो उसको फॉलो कर सकता है। फिर इनका एक कॉन्सेप्ट था चटवारी अरे सत्यानी, चार नोबल ट्रूथ बुद्धिज्म के कौन कौन से हैं, फोर नोबल ट्रूथ्स, दीज आर ट्रूथ ऑफ सफरिंग दुख, समुदाय निरोध और अष्टांगिका मार्ग। यानी सफरिंग को खत्म करने के लिए जिस मार्ग पर चलते हैं आप वो होता है अष्टांगिका मार्ग। जीवन में दुख है, दुख से मुक्ति के लिए आप संघ के पास जाएंगे, समुदाय के पास जाएंगे, और जो सफरिंग को अंत करने के लिए जो आपको चाहिए वो निरोध, वो आपको मिलेगा निब्बाना प्राप्त करने के बाद, निर्वाणा प्राप्त करने के बाद, और जो आप मार्ग फॉलो करेंगे वो होगा अष्टांगिका मार्ग। ये प्राइमरी चार नोबल ट्रूथ है जिसकी बात बुद्धिज्म कर रहे हैं। अगेन बास्केट ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, इसको क्लियर, इसको याद रखना आपको जरूरी है कि हाँ ये चीज़ें अलग अलग थी। अब जो पहला है दुख, या इन्होंने कहा था कि हर चीज़ जो है वो सफरिंग लाती है, सब्बम दुखम, और यही ये एक्चुअल पेन जो है, सॉरो जो है वो इंडिविजुअल फॉलो करता है, और ट्रूथ कॉज ऑफ सफरिंग का क्या है, अगर आप जी रहे हैं तो होगा ही होगा, और इसके पीछे रीजन क्या है, डिजायर यानी तृष्णा, और तृष्णा को खत्म करने के लिए आपको क्रेविंग को छोड़ना पड़ेगा, निर्वाण लेना पड़ेगा, और एक पाथ है जो इस सफरिंग से आपको बचा के ले जाएगा, वो अष्टांगिका मार्ग जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ। तो अष्टांगिका मार्ग यानी एट फोल्ड पाथ किस रिलीजन से रिलेटेड है, किस चीज के बारे में बात करता है, तो यह है वो अष्टांगिका मार्ग जिसमें आपको राइट व्यू रखना है, राइट इंटेंशन रखना है, राइट स्पीच रखनी है, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन एंड राइट व्यू, यानी समदिति, राइट अंडरस्टैंडिंग, सम संकप, सम वाक, वाक मतलब स्पीच होता है, संकप मतलब थॉट होते हैं, दित्ति मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, और इसके बाद फिर आपकी बात आती है राइट कंडक्ट, जीवन, आजीविका, लिविंग आपको सम्यक रखनी है और आपको सही तरीके से जो करना है, राइट मीन्स ऑफ लाइफ, राइट मेंटल एटीट्यूड, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। सो बेसिक वही आठ जो अष्टांगी का मार्ग है वो बात यहाँ कर रहे हैं। तो समाधि याद रखिए, सम रिलेटेड जिससे भी मिले वो रिलेटेड है बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म के जो आठ पाथ्स हैं, एट फोल्ड पाथ, उसमें सब सम है, सम आजीविका, सम वमय, सम समाधि और सम सती। यहाँ कन्फ्यूज आप इसमें हो सकते हैं कि सम सती की बात की गई क्या हिंदुइज्म से रिलेटेड है, तो नहीं। सम सती का मतलब होता है सेंस ऑफ वंस मेंटल स्टेट एंड बॉडीली हेल्थ एंड फीलिंग, यानी राइट माइंडफुलनेस, जिसे हम कहते हैं ना, आज आप पूछे WHO की हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, वहाँ सिर्फ फिजिकल वेलबींग की बात नहीं होती, वहाँ मेंटल वेलबींग की भी बात आती है। वहाँ हम देखते हैं हैविंग अ डील अ सेंस ऑफ वंस मेंटल स्टेट एंड बॉडीली अलॉन्ग विद मेंटल हेल्थ। तो वहाँ ये बात करते हैं कि माइंडफुलनेस होनी चाहिए व्यक्ति के पास, सही, कि गलत होगी तो फिर आप पाप करेंगे, आप हिंसा करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी ये कवर करते हैं अपने इस एट फोल्ड पाथ में। अब बात आती है दूसरी पिटकर्स की, विनय पिटिका। विनय पिटिका किस भाषा में लिखी हुई, पहले मुझे ये बताइए, पाली या प्राकृत? प्राकृत आप कमेंट में लिख सकते हैं कि पाली जैनिज्म फॉलो करता था, बुद्धिज्म, प्राकृत कौन फॉलो करता था।
तो विनय पिटिका की बात आ गई, इसमें क्या है भाई, रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू द मोनेस्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन। सुत्त पिटिका में क्या है, धम्म और बुद्ध की मेन टीचिंग के बारे में बात की गई है। इसमें 5 नियकास दिए गए हैं, निकाय। 5 निकाय कहाँ दिए गए हैं, सीधी सी बात है। वॉज इट पार्ट ऑफ विनय पिटिका, वॉट इज पार्ट ऑफ अभिधम्म पिटिका, वॉट इज पार्ट ऑफ सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका में हमें पहले ही पढ़ा कि बुद्धिज्म की जो प्राइमरी टीचिंग है वो सुत्त पिटिका के अंदर आती है, जो बुद्धिज्म के सूत्र हैं वो दिए गए हैं इसके अंदर। इसमें 5 निकाय दिए गए हैं, और ये निकाय कौन से हैं, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदकर निकाय। 5 निकाय किसका पार्ट है, दे आर पार्ट ऑफ नॉट विनय पिटिका बट दे आर पार्ट ऑफ सुत्त पिटिका, जो पहला पिटिका है जहां बुद्धिज्म के कोर डॉक्ट्रिन डिस्कस किए गए हैं। विनय पिटिका में क्या डिस्कस किया गया है, संघ में जो मॉन्क रहने हैं वो किस तरह से जिएंगे, जो विहार है वहां कैसे जिएंगे। फिर थर्ड पार्ट अभिधम्म पिटिका, जहां पर फिलोसॉफिकल एनालिसिस किया गया है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो आपके दीपवंश, महावंश हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो श्रीलंका के थे टेक्स्ट, प्राइमरली मिलन पन्हो की बात आ गई, दिव्य वंदना की बात आ गई, ये सारी चीजें अदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में आ गए। और इसके अलावा पंचकांड डिस्कस किए गए बुद्धिज्म में, पंचकार्ड जो आप यहां देख रहे हैं, 5 एग्रीगेट्स, की ह्यूमन बींग इज अ कलेक्शन ऑफ 5 एग्रीगेट्स, जो हमने जैनिज्म में भी कुछ इस तरह का आसपास का देखा था। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, तभी जाकर आपको सफरिंग से मुक्ति मिलेगी। तो 5 एग्रीगेट क्या है, मटीरियल फॉर्म, रूप, तो जो आपका रूप है उसमें 5 फिजिकल ऑर्गन्स जो है आपके, ईयर आई टंग वाली बात आ गई और सेंस ऑर्गन्स की बात आ गई। फिर फीलिंग सेंसेशन, वेदना, जो भी आपको फीलिंग्स आती हैं जब आप इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो बाहर हैं उनके साथ, जो सेंस के ऑब्जेक्ट्स के साथ आप टच में आते हैं, तो जो भी फीलिंग्स आती हैं, जैसे आँख है तो आप कुछ देख के आपको खुशी का एहसास हुआ, वो सारी चीज़ें सेंसेशन की बात आ गई। फिर परसेप्शन यानी सन, फिर मेंटल फॉर्मिंग संतराज, और कॉन्शियसनेस यानी विनन। अब देखिए ये 5 टॉपिक जो हैं इनको नॉर्मली याद करना ईजी है, इनका नाम रटना बड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय संथाराज, अब आपको अगर ऐसे पूछा जाए तो संथाराज को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि चलिए आपने ये देखा कि 5 एग्रीगेट हैं बुद्धिज्म के, पंचकांड जो है या फिर पंच स्कंद जो है, एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि पंच स्कंद किससे रिलेटेड है, अगर आपने अभी तक नहीं भी पढ़ाया तो पंच स्कंद में अच्छा 5 चीज़ें हैं, कॉन्शियसनेस की बात है और सेंस ऑर्गन्स की बात है, मटेरियल फॉर्म की बात है, तो यहाँ एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि चलो भाई आपको 5 याद नहीं रहे, 3 तो याद रह जाएंगे, रूप वेदना तो याद रह जाएगा, विनाना तो याद रह जाएगा, 2 याद ना रहे तो कोई बात नहीं, पर ये 5 एग्रीगेट है जिससे व्यक्ति बना हुआ है और इनको समझना बड़ा जरूरी है, तभी जाकर आप अपने दुखों से मुक्ति पा पाएंगे एज पर बुद्धिज्म। तो ये बातें हो गई 5 एग्रीगेट्स पंचकांड की या पंच स्कंद की। तो पंचकांड पंच स्कंद किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। फिर बात आती है कि भाई कहाँ से असल में इनकी फिलोसफी आ रही है, तो कुछ जो इनकी फिलोसफी है पास्ट में वेदांत से आती है, कुछ सांख्य फिलोसफी से आती है, कुछ उपनिषद से आती है। जैसे मैंने पहले फोकस किया था आपको कह के कि भाई बिल्कुल ही एलियन रिलीजन नहीं था ये, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था मैं, एलियन रिलीजन नहीं था ये रिलीजन ऐसा था जो ऑलरेडी हमारे रिलीजन जो हम फॉलो कर रहे थे उससे ही कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने अडॉप्ट करी, उसको और ज़्यादा रिफाइन किया, बेहतर बनाया। गौतम बुद्ध की अपनी फिलॉसफी थी, उसके प्रारूप से वो उसको लेके आए, तो इसीलिए जो आम व्यक्ति थे वो उससे बेहतर तरीके से रिलेट कर पा रहे थे, जो समस्याएं थी विश्व की उस समय की वहाँ के लोगों की, उन पर फोकस किया था। तो जो क्या बुद्धिज्म के कुछ रूट्स आपको वेदांता में मिलते हैं, कुछ उपनिषद से मिलते हैं, तो हाँ मिलते हैं, इट्स अ करेक्ट आंसर। देन अगेन मूव टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ, जिसके की टर्म्स जो उसका रेलेवेंस आपको पता होना चाहिए। पहली बात आती है अवक्रांति यानी कंसेप्शन और डिसेंट, इसका एग्जाम्पल है व्हाइट एलिफेंट की धरती में पैदा हुए हैं, जन्म हुआ इनका, तो जन्म को लेकर लोटस एंड बुल। फिर ग्रेट रिनंसिएशन उसका है हॉर्स, एनलाइटनमेंट निर्वाण बौद्धित्री, पहला सरमन कहाँ, धर्मचरण परिवर्तन कहाँ हो रहा है, व्हील का एग्जाम्पल है, महापरिनिर्वाण मृत्यु का एग्जाम्पल है स्तूप, इंपॉर्टेंट सूप इंडिया में कौन कौन से पता होंगे अभी तक आपको। तो जो 5 ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, सॉरी 6 जो सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, ये से सिंबल्स निर्वाण का क्या है, कंपैरेटिवली इजी है बताना कि भाई व्हील किसका होगा, एलिफेंट किसका होगा, व्हाइट एलिफेंट, लोटस किसका होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे हाथ रख के भी याद कर लेना तो याद हो जानी है आपको, तो ईजी है और आपने अभी तक मुझे उम्मीद है आपने इसको रिवाइज कर रखा होगा। फिर बात आती है
बुद्धिस्ट संघ की, कि भाई बुद्धिज्म में बात ये आई थी कि हमें मुक्ति पानी है दुखों से, सफरिंग्स थे, तो एक नई चीज ये लेके आए थे कि भाई कॉमन एक संघ बनाइए, साथ रहिए। नॉर्मली क्या था उस टाइम में, कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम को लेकर काफी समस्याएं थी समाज में, तो ये संघ में सभी अलाउड थे ऑलमोस्ट। लेकिन क्या संघ में आने से पहले किसी स्लेव को अपने मास्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी? यस, लेनी पड़ती थी, पहले वो अलाउड नहीं थे। तो कुछ जगह लिबरल होने के बावजूद बुद्धिज्म में समस्याएं थी, काउंटर इंटुइटिव था ये, जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट प्रेयर प्लेसेस थे हिस्ट्री में, कहा बुद्धिज्म संघ। लेकिन कौन कौन अलाउड नहीं थे? स्लेव्स, इंसॉल्वेंट, डिजीज्ड वर नॉट अलाउड। तो इट वॉज लिबरल डेमोक्रेटिक, बट स्टिल लिबरल डेमोक्रेटिक बोल लिया मतलब आज की तरह लिबरल डेमोक्रेटिक नहीं हो गए वो, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, उस समय की बात हो रही है। तो जो गरीब है, जो इंसॉल्वेंट है, गरीब नहीं, जो इंसॉल्वेंट है, जो बीमार है, जो दास है या गुलाम है, उनको एंट्री नहीं मिलती थी संघ में या फिर विहार्स में। 64 टाइप्स की क्राइम्स की बात इन्होंने की है, पति मोक्षास चूंकि प्रोहिबिटेड है, और वुमेन वर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन। इनिशियली कुछ टाइम पे नहीं था, पर बाद में इनको अलाउ कर दिया गया था, तो वुमेन वर अलाउड टू ज्वाइन द रिलीजन इटसेल्फ। तो ये बातें हो गई बुद्धिस्ट संघास के बारे में, ठीक है। जो 64 क्राइम है पत्ति मोक्षास, तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि पांच जो इनके बेसिक लिटरेचर टेक्स्ट का नाम दे दिया, उसी में आपको ये एक ऑप्शन आ गया कि भाई बताइए पति मोक्षा क्या है। तो क्या आप इजीली इसको एलिमिनेट कर पाएंगे या नहीं, ये पता होना चाहिए आपको, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जो थ्री ज्वेल्स हैं वो कौन से हैं, जो नोबल ट्रूथ्स हैं वो कौन से हैं, जो सिंबल्स हैं वो कौन से हैं, तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करना आपको इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको रख के कर सकते हैं, एक या दो घंटे की मेहनत है। अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आए तो बहुत ही हाई यील्डिंग हो सकता है। अब बात आती है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन आते हैं विच आर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर। तो मोगलिपुत्त तिस्स, जिन्होंने अशोक के धम्म कैंपेन की शुरुआत की थी, फिर अशोक घोष जो फेमस है, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी, एक इसका इनका फेमस ड्रामा भी है सरिपुत्र प्रकरण, फिर नागार्जुन जिन्होंने मध्यमका स्कूल को फॉलो किया था महायाना बुद्धिज्म की, और थ्योरी दी थी शून्यकावाद की, एम्प्टीनेस की, और एक और इंपॉर्टेंट इनका वर्क था वो था मूल मध्यमाकारिका। तो ये नागार्जुन का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे, अशोक घोष के पता चल गया आपको, मोगलिपुत्त के पता चल गए, फिर बुद्ध घोष थे जिन्होंने विश्वदिमग्गा लिखी थी, थेरवाद के इंपॉर्टेंट कमेंटेटर थे, थेरवाद बुद्धिज्म के, थेरवाद महायान वज्रयान ये भी हम कवर करेंगे अभी। प्राइमरीली हम देख रहे थे अभी कि कौन से इंपॉर्टेंट इसके स्कॉलर्स हैं, तो कुछ हमने डिस्कस किया अभी। फिर धर्मकीर्ति की बात आती है, नालंदा में टीचर थे, इन्हें कांट ऑफ इंडिया कहते हैं, कांट एक फेमस वेस्टर्न स्कॉलर है फिलोसफी के, तो इन्हें धर्मकीर्ति कहते हैं, बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे। फिर असंग और वसुबंधु की बात आती है, जो पंजाब के रीजन में उस टाइम में, और असंग योगाचार्य थे, या फिर जो विजनावदा स्कूल था उसकी शुरुआत की थी। तो जो इसके अलावा आपको वसुबंधु की एक और जो इम्पोर्टेंट काम है वो है अभिधर्म कोश। तो अभिधर्म कोश किसने लिखा था? तो वसुबंधु ने लिखा था, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अभिधर्म कोश है, कोश का मतलब क्या होता है, इट्स लाइक एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप, तो बुद्धिज्म का इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने लिखा था, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो वसुबंधु ने लिखा था इनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म। अगेन मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि टेक्स्ट तो इतने सारे याद होने पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट एक पासिंग रेफरेंस मिल जाएगा आपको, तो शायद अगर कुछ ऐसे एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस आए तो वो कर सकते हैं। फिर बात आती है दिनगा की, जो एक इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल थे, जिनको फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक भी कहते हैं। दिनगा इज कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ बुद्धिस्ट लॉजिक। दिनगा की बात आ गई, यहां हमने देखा धर्मकीर्ति की बात आ गई, धर्मकीर्ति वॉज द कांट ऑफ इंडिया, राइट। फिर आपने देखा कि वासुबंधु, जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म जैसी किताब लिखी, विच वॉज कॉल्ड अभिधर्म कोश। तो ये जो कोर स्कॉलर्स हैं वो हमने देखे। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों में, जो बात करता है किस तरह प्राप्त करेंगे आप निर्वाण को। तो फिर अलग अलग स्कूल्स बने बुद्धिज्म के, अलग अलग डिविजन आए हर रिलीजन की तरह। जो कोर डिफरेंस आप देखते हैं वो ये है कि महायान में और हीनयान में क्या डिफरेंस है, कि भाई बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट आता है, बोधिसत्वा कौन है,
बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो निर्वाण अचीव कर सकते थे, पर आम जन के कल्याण के लिए उन्होंने अपने निर्वाण को प्राप्ति नहीं की, उसको डिले कर दिया और वो बोधिसत्वा कर गए। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, किस सेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो महायान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हीनयान में। ये जैसे पुनर्जन्म की बात आती है तो पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट, उस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं ये बोधिसत्वा से, किसमें या तो पिछले जन्म में हो सकता है या निर्वाण उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो बोधिसत्वास आर इन कॉमन फिगर्स इन लिटरेचर एंड आर्ट ऑफ विच स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, इन महायान। बोधिसत्वास, अब महायाना बुद्धिज्म में बार बार बोधिसत्वास की बात हो रही है, पर बोधिसत्वास कई सारे बोधिसत्वास ऐसे जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास हैं वो कौन कौन से, क्या रेलेवेंस है, ये हम देखते हैं अगले अपने टॉपिक में, कि कुछ बोधिसत्वास जो आपको पढ़ के जाने चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी क्या रेलेवेंट चीज़ें हैं, क्या उन्होंने ऐड किया है। मैत्रेय, मैत्रेय एक इंपॉर्टेंट बोधिसत्व है, इनको याद करने के लिए कंपेयर करिए आप इनको महादेव के साथ, शिवजी के साथ। उनकी जटाओं से गंगा बहती है, यहाँ इनके बाएं हाथ में एक वाटरफॉल है, ठीक है, और इनको फ्यूचर बुद्धा और अर्लीएस्ट बुद्ध बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है, सबसे पुराने बोधिसत्व और फ्यूचर बुद्धा के रूप में देखा जाता है मैत्रेय को। मैत्रेय के साथ कंफ्यूज आप हो सकते हैं लिटरेचर ऑन हिंदुइज्म के साथ, तो देयर वाज अ बोधिसत्व नेम इज मैत्रेय, यस ही वाज, और लाफिंग बुद्धा के नाम से भी जो आप देखते हैं काफी फेमस एक पिक्चर होती है लाफिंग बुद्धा की, कहा जाता है कि शायद ये जो इनकार्नेशन है मैत्रेय का ही है, लाफिंग बुद्धा काफी जगह आप देखते होंगे उसको, एक इतनी सी मूर्ति आती है, तो वहां से भी रिलेट कर लिया, अच्छा ये मैत्रेय की बात है, ही इज पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज समंतभद्र। समंतभद्र को यूनिवर्सल बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है, यूनिवर्सल बोधिसत्व कौन है, तो समंतभद्र, इनको एसोसिएट किया जाता है मेडिटेशन के साथ। तो जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, जब भी पॉइंट बुद्धिज्म के मेडिटेशन का आता है, तो कौन सा बोधिसत्व रिलेटेड है, इट इज समंतभद्र। फिर वज्रपाणी, वज्रपाणी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बोधिसत्व, इनके खास बात यह कि जैसे इंद्र के हाथ में थंडरबोल्ट होती है वज्र, उसी प्रकार से वज्रपाणी के साथ भी वज्र एसोसिएटेड है, थंडरबोल्ट इनके साथ भी कहा जाता है। दिखाता क्या है भाई, कि शक्तिशाली बहुत बड़े हैं, तो इंद्र से जो मिलता जुलता आपको दिख रहा है, महादेव से मिलता जुलता आपने एक जोड़ लिया, और फिर आपके अवलोकतेश्वरा है जो कि काइंड हार्टेड, काफी वज्रपाणी देखा आपको वज्र के साथ एसोसिएटेड, तो पावरफुल और स्ट्रांग। देन देयर इज अ काइंड हार्टेड वन विच इज अवलोकितेश्वरा, ये बुद्ध के जो कंपैशन है उसको दर्शाते हैं। अगेन वज्रपाणी के साथ खास बात यह है कि तीन प्रोटेक्टिव डीटीज जो होते हैं बुद्ध के आसपास, उनमें से एक है वज्रपाणी, दो और हैं मंजूश्री और अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा क्या दिखाएंगे बुद्धिज्म का, बुद्ध का कंपैशन, मतलब उनकी दया और करुणा। उनकी शक्ति का वर्णन कौन कर रहा है, वज्रपाणी। वज्रपाणी अगेन वज्र यानी थंडरबोल्ट इनके पास है, और तीसरे अपने मंजूश्री। मंजूश्री की इनके पास में बुक्स का एग्जांपल है कि विद्या की तरह दिखा रहे हैं, कि ज्ञान की तरह। और मंजूश्री की बात आ गई, फिर बात आ गई अवलोकितेश्वरा की, हमने पढ़ लिया। फिर क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ जो बच्चे हैं और जो पर्गेटरीज हैं उनके प्रोटेक्टर की तरह, गार्डिंग की तरह देखा जाता है। इमोर्टल बींग्स के ये बोधिसत्व है, अर्थ के जो इमोर्टल बींग्स हैं उनके, ठीक है। अमिताभ, अगेन अमिताभ बच्चन से याद रख सकते हैं, ही इज अ बुद्धा ऑफ हेवन। सदापरिभूत, सदापरिभूत वो हैं जो कभी स्पिरिट, जिनकी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। तो समापरिभूत, अमिताभ, क्षितिगर्भ, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी, समंतभद्र, मैत्रेय। याद रखिए नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में एलिमिनेट करना है, ना कि सब कुछ रट लेना, डिफिकल्ट है। तो ये काफ़ी फेमस है अवलोकितेश्वर, आपको पता है काफ़ी प्रचलित नाम है, वज्रपाणी प्रचलित है, पर किस चीज़ से रिलेटेड है, जो आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे मैत्रेय में आप हो सकते थे, तो अपने मैत्रेय एसोसिएट किया महादेव के साथ, पर हाँ ये मैत्रेय अलग है देन व्हाट वी रीड एट टेक्स्ट इन इन हिंदुइज्म, वो नहीं है ये। तो कौन कौन से जो बोधिसत्व हैं जिस पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। फिर बात आती है मंजूश्री की, जिसकी बात हमने कर ली। फिर बात आती है आकाश गर्भ की, आकाश गर्भ भी मतलब जो बाउंडलेस है, स्पेस की तरह, आकाश की तरह, जो जिनका अंत नहीं है, स्पेस रिलेटेड है ये आकाश गर्भ, ये ज्ञान को दर्शाते हैं आकाश गर्भ। मंजूश्री की बात कर ली, मेल बोधिसत्व हैं जो एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड अपने लेफ्ट हैंड में रखते हैं और बुक्स रखते हैं जो 10 परिमितास को डिस्क्राइब करती है। ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास की। अगेन मैं रिपीट कर लूं कि एक तरह से आप देखें तो कोई अंत नहीं है, आप कितना पढ़ेंगे, पर जो कोर चीज़ें न्यूज़ में हैं वो हम कवर करने की, न्यूज़ मतलब जो रेलेवेंट है हमारे लिए, जो बुकलेट्स में आ रही हैं, जिनके ऊपर काम हो रहा है बोधिसत्व, सर्किट की बात आ गई, सर्किट में चीज़ें डिस्कस्ड हो रही हैं, जिन पर डिस्कशन हो रही है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। फिर बात आती है यहाँ पर बौद्धिस्ट काउंसिल्स की। पहला बौद्धिस्ट काउंसिल 483 BC कहाँ हुआ, राजगृह में।
महाकश्यप चेयरमैन है, अजात शत्रु इसके पेट्रन है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। बौद्धत्व काउंसिल जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, इसका आउटकम क्या हुआ था, क्यों किया गया ये? क्योंकि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कर लिया था, उनकी उन्होंने एक तरह से संन्यास पूरा कर लिया था। इस काउंसिल में बताया गया कि भाई आगे क्या करना है, बुद्धिस्ट जो इनकी टीचिंग्स हैं, जो इनकी सुत्ता धर्म का क्या करना है, और जो क्या डिसाइपल के रूल्स का क्या करना है। तो इसी में फिर ये डिवीजन हुआ, जो ज्ञान है, जो चीज़ें हैं, उनको तीन पित्तिकाज में बांटा गया। कौन कौन से थे वो? विनय पित्तिका, सुत पित्तिका और अभिधम्म पित्तिका, जहाँ पर आपका ये उपाली के द्वारा ये किया गया। अब अगेन उपाली और जो चार मेन डिसाइपल हैं गौतम बुद्ध के, अलग अलग कास्ट से आते थे। वो दिखाता था कि सबको ही अपने में समाहित करने की फ्रीडम बुद्धिज्म रखता था। फिर बात आती है दूसरे की, जो वैशाली में हुई थी, सब कामी जिसके चेयरमैन थे अंडर काल अशोक, जिसमें आपका स्थिर वीरवदानी और महासंगिका में डिवीजन हुआ। महासंगिका एक इंपॉर्टेंट सेक्ट था, क्योंकि महासंगिका में ही बुद्ध की पूजा एज अ डीटी मूर्ति पूजा की शुरुआत यहां हो गई, और ज्यादा से ज्यादा ये थोड़ा मूर्ति पूजन की तरफ गया और गौतम बुद्ध की पूजा करनी शुरू कर दी। यहां महासंगिका को ही आगे बढ़ के हम देखते हैं महायान बुद्धिज्म का जो कोर, जो शुरुआत है, वो यहां से हो जाती है। और इसी में हम डिवीजन यहां देखते हैं कि मूर्ति पूजा और ओरिजिनल स्कूल का डिफरेंशिएशन यहां हो जाता है, विच इज इन सेकंड काउंसिल जो हुआ था वैशाली में कालशोका के अंदर, सब कामी उसके चेयरमैन थे। तीसरा है पाटलिपुत्रा में जो मोगापुत्र तीसरा के अंदर हुआ था, अशोक इस समय में थे। यहां पर अभिधम्म पीटिका कंपाइलेशन हुई, मिशनरीज को अलग अलग पार्ट्स में भेजा गया और ज्यादा पॉपुलर हुआ बुद्धिज्म। इसी के टाइम में श्रीलंका में कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन से कैनन्स लिखे गए बुद्धिज्म के, हमने पहले डिस्कस किया है, दीपवंश, महावंश। चौथा काउंसिल कश्मीरी हुआ, किसने किया? कनिष्क ने किया। यहां पर कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र हुआ, सारी चीजें संस्कृत में की गई। ठीक है, अगेन याद देखें चेंज हो गया, पाली प्राकृत जो मेन पावर हुआ करती थी बुद्धिज्म और जैनिज्म की, दोबारा संस्कृत तरफ शिफ्ट हो रही है इन फोर्थ काउंसिल। यहां पर हीनयान और महायान का डिवीजन हुआ, अभिधम्म टेक्स्ट ट्रांसलेट किए गए प्राकृत से लेकर संस्कृत में। तो अब देख रहे हैं और ज्यादा मूव टुवर्ड संस्कृत हो रही है। यहां समझने वाली चीज यह है कि कौन किस तरह के बुद्धिज्म का पैट्रन था। अशोक वॉज पैट्रन ऑफ विच टाइप ऑफ बुद्धिज्म एंड कनिष्क वॉज पैट्रन ऑफ विच टाइप ऑफ बुद्धिज्म, ये बताइए मुझे। अशोक वॉज पैट्रन ऑफ हीनयान बुद्धिज्म, जबकि आपके कनिष्क जो थे, जो आपके हर्षवर्धन थे, ये महायान बुद्धिज्म के पेट्रन थे। महायान में क्या होता है, मूर्ति पूजा होती है। हीनयान में क्या होता है, जो टीचिंग्स थी उसको माना जाता है। गौतम बुद्ध को एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाता है कि एक एनलाइटेंड थे पर वो भगवान नहीं थे। ये डिफरेंस था प्राइमरीली इन योर काउंसिल्स और किसने किसको प्रमोट किया। अगर हम और आगे जाएं तो अब हम देखते हैं कि मेजर स्कूल कौन से हैं, महायान एंड हीनयान। फिर अदर स्कूल्स कौन से हैं, थेरवाद, वज्रयान और जैन। अभी हम इन सबको करेंगे ठीक से। सबसे पहले बात आती है महायान बुद्धिज्म की। महायान बुद्धिज्म मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। इसमें बुद्धा एज ए डीटी को पूजना शुरू कर दिया गया। यहां पर बौद्धि सत्वास की बात आनी स्टार्ट हो गई, तो यानी पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी आना स्टार्ट हो गया। शुरू कहा हुआ नॉर्थ इंडिया कश्मीर में, बाकी जगह फैल गया। आज हम जो देख रहे हैं चाइना में या मंगोलिया में, आप हॉलीवुड की फिल्में देखेंगे जहां बार बार बात होगी कि भाई एक नए बुद्ध का जन्म हो रहा है या अवतार पुरुष कोई पैदा हो रहा है बुद्धिज्म में। तो ये अवतारों अवतारता की बात जो है वो हीनयान में नहीं थी, प्राइमरी बुद्धिज्म में नहीं थी, महायान में शुरुआत हुई। और ये और ज्यादा पॉपुलराइज हुआ इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ इन चाइना एंड अदर एरियाज। बुद्धा विल बी बॉर्न अगेन, ये इनका कोर कॉन्सेप्ट था। बुद्धा को आइडियल फॉर्म में पूजने लगे। ये बातें हैं महायान बुद्धिज्म की। इसके बाद लैंग्वेज संस्कृत, जो कोर डिफरेंशिएशन था हीनयान से। हीनयान वॉज मोर इन टू प्राकृत, यहां चेंज किधर हो रहा है, संस्कृत में बैक टू स्कूल, जहां से आए हैं फिर वहीं पहुंच गए। इसके सब स्कूल क्या थे, चिच मात्र और मध्यमका। जैन महायान का ही सब स्कूल है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा जैन महायान का सब स्कूल है, तो आप इतना याद रखिए, क्या ये जो पूज रहे हैं, जिस तरह की जैन की बात की जा रही है, क्या यहां पे बुद्धिज्म को या गौतम बुद्ध को मूर्ति के रूप में देखा जाता है, एज ए देवता उनको देखा जाता है? अगर हां तो जरूर वो सब स्कूल किसका होगा, महायान का होगा, ना कि हीनयान का। हीनयान में गौतम बुद्ध को एज ए डीटी नहीं देखा जाता। तो जैन जो भी चाइना, कोरिया और ताओइज्म से रिलेटेड है, वो भी महायाना का ही एक सबसेक्ट है। अगला टॉपिक हीनयान।
हीनियन को लेसर व्हीकल भी कहते हैं या अबेंडेंट व्हीकल भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डस भी कहा जाता है, या फिर थेरावेदा। ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ये, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो फॉलो की, इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, मतलब आप आत्मविश्वास, अनुशासन और मेडिटेशन के थ्रू सेल्वेशन को प्राप्त करेंगे। बुद्धा कभी रिबॉर्न नहीं होगा, आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते ये, तो जो कोर टीचिंग्स थी उन्होंने उसको फॉलो किया। हीनियन स्कूल की बात करें तो बुद्ध वाज एन इंटेलेक्चुअल नॉट अ गॉड, 18 सब स्कूल्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल है सरस्वती वद, थेरावादिन और सौ तंत्रिका। बुद्धिज्म प्रीच किया अशोक ने, वो था हीनियान। तो अशोक तक हीनियान था, उसके बाद आप देखते हैं महायान ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि मूर्ति पूजा, कुछ जो रिचुअल्स थे वो भी इंक्लूड होने लग गए, मगर ये दोबारा शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स मोर लाइक हिंदुइज्म की तरह होता चला गया। इसलिए इंडिया में जो पॉपुलैरिटी थी वो बुद्धिज्म की घट गई, एक रीज़न ये था। दूसरा, जो बाहर के आतंक आक्रांताज थे उन्होंने भी, चाहे वो शक हों या बाकी इन्वेडर्स हों, उन्होंने भी विरोध किया इसका। बाकी इंडियन रूलर्स भी धीरे धीरे थोड़े उदासीन होते चले गए टुवर्ड्स बुद्धिज्म। और ये भी हो गया कि कई टेक्स्ट में गौतम बुद्ध एज एन अवतार ऑफ विष्णु को भी समाहित कर दिया गया, तो बुद्धिज्म को भी की जो की थीम्स थी वो भी इन्होंने इंक्लूड कर ली इन हिंदुइज्म। तो इसलिए थोड़ा और ये कमज़ोर होता चला गया। अगेन, इनकी लैंग्वेज पाली है। अभी हमने देखा अभिधम्म पिटका को प्राकृत से संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया था, तो कई जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पाली और प्राकृत को लेकर। लेकिन संस्कृत तो कभी नहीं रही, और महायान जैसे संस्कृत की तरफ शिफ्ट हुआ समस्याएं बढ़ती चलेगी, पॉपुलैरिटी इंडिया में थोड़ी और कम होती चलेगी बुद्धिज्म की, क्योंकि संस्कृत तो ऑलरेडी डोमेन था एक और रिलीजन का जो डोमिनेंट था विच वॉज हिंदुइज्म। ये बातें हो गई उनकी। अब बात आती है थेरवाद और सरस्वती वदा का, जो कि पुराने और कंजर्वेटिव हैं और ट्रेडिशन तथा एल्डर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही हीनियान सेक्ट के पार्ट है। यहाँ पर अरहत बनने की कोशिश होती है। अरहत वो होते हैं जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अरहत, अरहत्स आर दोज बीइंग्स हु आर लिबरेटेड, या तो लिबरेशन मिल गया है या आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। संसार का जो साइकिल है, ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल है जिससे मुक्ति चाहिए, वो प्राप्त कर चुके हैं, आप कर गए तो आप अरहत कहलाएंगे। तो हु आर अरहत्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अरहत इज अ टर्म एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद थेरावादा और सर्वस्तवदिन, वेर इन अ पर्सन हु गेट्स लिबरेशन, जिसको लिबरेशन मिल गई वो आपका फिर अरहत कहलाएगा। सर्वस्तवदिन समझते थे कि जो भी चीजें हैं सब इम्परमानेंट है, और धर्म इंश्योर करता है कौन सी चीजें हमेशा हमेशा बनी रहेंगी। थेरवाद बुद्धिज्म श्रीलंका में ज्यादा पॉपुलर है, बाद में धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशिया में फैला, कंबोडिया या लाओस में। ये कोर चीजें हैं किसकी, थेरावादा और सर्वस्तवदिन की। अभी तक हमने महायान हीनियान में देखा, थेरवाद और सर्वस्तवदिन किसके एक सबसेक्ट है, हीनियान के सबसेक्ट है। अगेन ये सब ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं बुद्धिज्म को, ना कि जो हम देख रहे हैं मूर्ति पूजा या जो महायान में देखते हैं उसको। इसके बाद एक और टर्म है वज्रयान, वज्रयान मतलब व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, वज्र का यान। ठीक है, यहां पर खास बात ये, यान से समझिए ना, महायान मतलब महायान है वो, फिर हीनयान है, फिर छोटा वाला यान हो गया, ये वज्रयान, ये वज्र का मतलब थंडरबोल्ट का यान हो गया। तो इट्स अ व्हीकल। इनकी खास बात ये तंत्र का बहुत फॉलो करते हैं, तंत्र मंत्र को ये फॉलो करते हैं, तंत्र फैक्टर यहाँ आ जाता है। ये अराउंड 900 क्रिश्चियन एरा सीई में ये शुरू हुआ, तिब्बत में ज़रा डेवलप हुआ, और अभी तक ये फीमेल डिटीज़ की पूजा, जिन्हें तारा कहते हैं उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर है, बिहार बंगाल के रीजन में मैजिक में बिलीव करना शुरू कर दिया, यानी सुपरस्टिशन की एंट्रियाँ हो चुकी है। और थोड़ा सा स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है फ्रॉम महायान और इवन हीनयान, बट दे बिलीव इन मैजिक, दे बिलीव इन रिचुअल्स, और रिचुअल्स और मैजिक के थ्रू ही आप सेल्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ये मानना है वज्रयान का। वज्रयान तिब्बत में पॉपुलर है, भूटान में पॉपुलर है, और अभी आप देख रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में भी पॉपुलर है। फिर सब स्कूल महायान बुद्धिज्म कौन सा है, जेन, जो हमने देखा जो चाइना में टैंग डायनेस्टी के अंदर पॉपुलर हुआ था, और बाकी और ये खुद के अपने कई सारे स्कूल्स के बन गए हैं, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जेन स्कूल किसका सब पार्ट है, इट इज सब पार्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। कहाँ पॉपुलर हुआ, चाइना में पॉपुलर हुआ, ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग टैंग डायनेस्टीज पीरियड, और जापान में फैला, जापान में जहाँ इसका आज जो पॉपुलर स्वरूप हम जैन बुद्धिज्म का देखते हैं, जहाँ पर मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जेन स्टेट की बात की जाती है, वो बातें यहाँ की गई। मेडिटेशन सबसे इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है जैन बुद्धिज्म का। अब बात आती है कि आपने महायान, हीनयान, वज्रयान, जैन बुद्धिज्म, थेरावादा,
ये सब डिस्कस कर लिया। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें एसोसिएटेड हम जैसे यूनिवर्सिटी हो गई कहाँ पर स्थित है, कुछ की टर्म्स है वो देखते रहे। सबसे पहले बात आती है नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त ने स्थापित की, उदंतपुर यूनिवर्सिटी गोपाला ने स्थापित की जो पाला रूलर थे, विक्रमशिला कहाँ आगे बिहार में है, धर्मपाल ने स्थापित की, सोमपुरी धर्मपाल ने स्थापित की, जगदाल बंगाल में, रामपाल ने स्थापित की, वल्लभी गुजरात में जो भद्रका ने स्थापित की। ये सारे मोस्टली रूलर पाला डायनेस्टी के ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दो को छोड़कर जो एक मैत्रिक रूलर है और एक गुप्ता रूलर है जो कुमार गुप्त है, जिन्होंने फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी बिहार में। ये प्रोमिनेंट स्कूल्स थे जहाँ पर बुद्धिज्म की पढ़ाई भी होती थी, बाकी रिलीजियस चीज़ें भी पढ़ाई जाती थी। की प्लेसेस इन न्यूज़ एंड हु आर द फाउंडर्स रिवाइज कर लीजिए, मोस्टली बहुत पॉपुलर है, याद करना आसान है। इसके बाद बात आती है एक और कुछ की टर्म्स जिनमें हम पढ़ेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे अरहत, अगर आपसे पूछा तो जो लिबरेशन प्राप्त कर चुका है वो अरहत है। निर्वाण, सुप्रीम, आप स्टेट में पहुंच गए, कैसे पहुंचेंगे, जब आप क्रेविंग को छोड़ देंगे, आपके अंदर इच्छाएं जो है जबरदस्ती की वो खत्म हो जाए तो आप निर्वाण को प्राप्त करेंगे। शील, एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो घर छोड़ के भिक्खुस की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेता है, उसे कहते हैं शील। श्रमण, जो श्रम करता है, जो लेबर करता है किस चीज के लिए, वो पहुंच पाने के लिए जो वो पाना चाहता है वो श्रम करता है, इट्स कॉल्ड एज श्रमणम। तो इसके लिए वो कैसा करेगा, वो एस्थेटिक बन जाएगा। और इसी प्रकार एक शब्द है उपासंपदा। उपासंपदा मतलब जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है, क्या एक्सेप्टेबल्स हैं, जब आपको किस तरह आप एंटर कर सकते हैं एस्थेटिक लाइफ में, तो उसके लिए जो रिचुअल्स हैं जो किए जाते हैं एक व्यक्ति के द्वारा वो है उपसंपदा। उपसंपदा और शील में क्या डिफरेंस है, शील मतलब आपने घर छोड़ा, घर छोड़ के आप जा रहे हैं शामिल होने के लिए, आप शील बन गए। उपसंपदा जो आप राइट रिचुअल करेंगे जिसके तहत आप एक्सेप्ट किए जाएं कम्युनिटी में एज एन उपसंपदा, यानी अब आप ऑर्डेन हो चुके हैं, अब आपको शामिल किया जाएगा, वो हो गया उपसंपदा। श्रमणा पता ही आपको, निर्वाणा पता ही है, अर्हत मतलब जब आप लिबरेट हो जाते हैं आपको प्राप्ति हो जाती है। फिर बात आती है वस की। वस 3 महीने का एक एनुअल रिट्रीट होता है जो थेरावादा के प्रैक्टिशनर्स करते हैं। अगेन वसा थेरावादा से रिलेटेड है, जो प्रैक्टिशनर करते हैं किस चीज के लिए, मेडिटेशन के लिए होगा या फिर अपने जो ये एक फोकस करने के लिए खुद पे या ध्यान लगाने के लिए करते हैं, वो वसा होता है। फिर उपोस्था, उपोस्था में एक ऐसा दिन है कि जहां आपको अपने आप को साफ करना होता है, अपने आत्मा को, अपने शरीर को, ये बुद्धिस्ट डे ऑफ ऑब्जर्वेंस इसे कहते हैं, ताकि अपने जीवन में शांति और जॉय को फील कर सके। तो वो एक दिन ऐसा होता है विच इज उपोस्था। उपोस्था, वसा, उपसंपदा, श्रमण, शील, निर्वाण, अरहत, एटलीस्ट जो की टर्म्स हमने जैनिज्म में भी डिस्कस किए थे, एक बार उसको पढ़ लीजिए कि अगर ऑप्शंस में आए तो आप उसको इजीली आगे जाकर कैंसिल आउट करके आगे बढ़ सके। इसी प्रकार कुछ और टर्म्स है जैसे पवर्ण। पवर्ण, वसा के बाद एक असेंबली होती है विच इज पवर्ण। फिर पोषधा, पोषधा मतलब अपने जो आपने वो लिए जो कस्में खाई उनको रिस्टोर करना इस पोषधा। महाभिषेक कर्मा मतलब ग्रेट गोइंग फोर्थ, रिनन्सिएशन की बात आ गई। चैत्यास जहाँ पे मॉन्ग बैठ के पूजा करते हैं वो चैत्य है। विहारास जहाँ मोनेस्ट्री होती है वो विहारास है। पराजिका, पराजिका मतलब हार। जो संघ में अगर आप हैं और कुछ आपने ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आपको संघ को निकाला जाए तो वो पराजिका के अंदर आएगा। फिर उपासक, उपासक मेल फॉलोअर वो हैं जिन्होंने बुद्धिज्म में, धम्म में और संघ में एंट्री ले ली है, हालांकि ये मोनेस्टिक व्यू वो उसको फॉलो नहीं करते, वो जो बातें हैं कि आप सब कुछ त्याग देंगे, एब्सटेंस फॉलो करेंगे, वो नहीं कर रहे, पर आपने बुद्धिज्म को मान लिया तो आप उपासक बन गए हैं। उपासक जैसे अशोक उपासक थे, हाँ अशोक उपासक थे, पर क्या वो सब कुछ फॉलो करते थे, सारी कस्में खाई थी बुद्धिज्म वाली, जो आपको क्रिया पूरी करनी थी वो नहीं। तो वो ऑप्शन था, या तो आप सन्यासी बन जाइए, या आप एस्थेटिक बन जाइए, या फिर आप आम जीवन जीते हुए ऐसा उपासक बुद्धिज्म के धर्म संघ को फॉलो कर सकते हैं, विच इज योर जो आप करेंगे उपासक कहलाएंगे। फीमेल अगर है तो उपासिका कहलाएंगी, कि आप बुद्ध धर्म और संघ में आपने रिफ्यूज ले लिया, फॉलो कर लिया। ठीक है, तो याद रखिए चैत्या विहारास, चैत्या विहारा में क्या अंतर है, चैत्या जो होता है प्रेयर हॉल्स, विहारास होता है मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री में लोग ऐसे भी रहते हैं, चैत्या में आप मेनली पूजा करने जाते हैं या फिर आप प्रे करने जाते हैं। पराजिका जब आपको एक्सपेल कर दिया जाए संघ से, उपासक जब आप बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाएं, उपासिका जब अगर महिला है और आप तब फॉलो करने लग जाएं। तो ये सारी बातें हो गई। पवर्ण असेंबली जो वसा के अंत में होगी, जब पोषधा मतलब वो उसको आपने पूरा कर लिया। ये की टर्म्स है, पिछले की टर्म्स, ये सारे की टर्म्स आपको
पता होनी चाहिए। और मोस्टली ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो इजीली याद हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। फिर अब बात आती है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था बुद्धिज्म का, सोशल रिलीजियस फेयर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। एथिकल लिविंग को फॉलो करना सिखाया, सिंप्लीफाई किया चीज़ों को, मिडिल क्लास बताया, मध्यम मार्ग, अष्ट मार्ग की बात करी, लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करी, वुमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया एज पर एज मैन। पहले संघ की एंट्री को लेकर कुछ विवाद था, पर बाद में वुमेन को इन टर्म्स ऑफ उपासिकाज एंट्री दी, और ये भी क्योंकि जो टेक्स्ट थे वो संस्कृत में नहीं थे, उनको भी पढ़ने का वो था, हर जाति के लोग पढ़ सकते थे, तो उस हिसाब से ईजी किया चीज़ों को। वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज किया, तो जो लोग वेदास नहीं पढ़ सकते थे वो भी इधर आ सके। हायरार्की जो थी डिस्क्रिमिनेशन की उसको तोड़ा, और अहिंसा का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया। जो स्तूप इसके बाद आठवें दर्जस्फेयर में आते हैं, मेन इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कई सारे जो आप देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रकूटाज हों, चाहे वो मुगल्स मौर्याज हों, चाहे वो वर्धन किंगडम हो, वर्धन डायनेस्टी हो, इन सभी ने कुछ कुछ ना कुछ हद तक बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, चाहे वो स्तूपाज की बात हो, स्तूपाज कहाँ कहाँ पर है, सांची स्तूपा है, बरहूत है, गया है, चैत्य है, विहाराज है, अलग अलग बनाए गए, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हम बात करते हैं, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे वैशाली हो, जिसकी हमने लिस्ट अभी देखी वो फॉलो हुई, पाली लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, बाकी लोकल लैंग्वेज हम देखते हैं, प्राकृत हालांकि मोस्टली इन्होंने फॉलो नहीं की थी, पर प्राकृत भी इस बीच में काफ़ी प्रचलित हुई, क्योंकि बुद्धिज्म की मेन लैंग्वेज जो थी वो पाली थी। फिर इंडियन कल्चर को इन्होंने बाकी एशिया में फैलाया, क्योंकि रिलीजन जैसे जैसे फैला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो कुछ की चीज़ें हैं वो कुछ आपको उपनिषद में भी कुछ चीज़ें मिलती जुलती मिलती हैं, दिखती हैं, वेदांत में दिखती हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल इंडियन ही रूट थी इनकी, और बाद में चाइना वगैरह फैले, तो वहाँ भी आप देखते हैं कुछ चीज़ें जो सिस्टम है वो इंडिया से बोरो वहाँ किया, तो इंडियन कल्चर भी स्प्रेड आउट हुआ बाकी कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म फैला। अब बात आती है कि भाई बुद्धिज़्म कमज़ोर क्यों पड़ गया। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म वाज़ प्राइमरी ड्यू टू करप्शन, करप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस। कैसा करप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस, जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी जिसलिए बुद्धिज्म फेमस हुआ, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, सुपरस्टिशन आ गया, आइडल वर्शिप आ गई, संस्कृत की वापसी हो गई, जो इसका एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था वो नहीं रहा। अगर आप और गौर से देखें तो बुद्धा की जो प्रिंसिपल्स और डिसिप्लिन थे उनको फॉलो नहीं किया गया, संस्कृत फॉलो होने लग गई, फिर हून का अटैक हो गया, तुर्कश इन्वेडर्स आ गए, अर्बन रिलीजन बन के रह गया ये, क्योंकि रूरल इंडिया मोस्टली हमेशा हिंदू रहा, उनमें काफ़ी ज़रा ये स्प्रेड हो नहीं पाए। और एक पॉइंट के बाद जब आफ्टर अशोकाज पुश, जो उन्होंने इसको और ज़रा प्रभावित किया और ये बाहर की तरफ गया, उसके बाद इंडिया में एक तो जैसे बताया मैंने हिंदुज़म ने भी कुछ हद तक अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, कई जगह गौतम बुद्ध को भी एज एन अवतार और विष्णु माने जाने लग गया, तो इस वजह से भी जो एक डिस्टिंक्ट फीचर था वो बुद्धिज्म का रहा नहीं। और हिंदुज़म की खास बात रही है कि वो अडॉप्ट करता रहा चेंजेस के हिसाब से, जैनिज्म में भी हमने देखा महावीर को भी कई जगह अवतार माने जाने लग गया, तो वो इसी वजह से जो बुद्धिज्म का कोर कैरेक्टर था वो बदल गया धीरे धीरे, उसमें भी डिविजन्स आ गए, वो भी कॉम्प्लिकेट हो गया, रिचुअलिस्टिक हो गया, तो लोगों के पास जो की फैक्टर था वो रहा नहीं कि भाई क्यों हम बुद्धिज्म को फॉलो करें, इसलिए पॉपुलैरिटी इसकी डिक्लाइन कर गई। तो इसी वजह से हम देखते हैं रिवाइवलिज्म और ब्राह्मणिज्म या फिर हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट में फूट, राजपूत रूलर्स की वॉर लाइक पॉलिसी थी, जो कि एक बार वहाँ पे आपने अटैकर्स आने स्टार्ट हो गए। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ज़रा याद रखिए, जब ये शुरू हुआ इस पीरियड में स्टेबल थी, थोड़ी बहुत आपस के विवाद थे पर चीज़ें फिर भी स्टेबल थी। इनस्टेबिलिटी जब आएगी तब अहिंसा को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, आपको हिंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस जमाने की बातें जहाँ युद्ध हुआ करते थे, उस परिस्थिति में आपको ज़्यादा अहिंसा फॉलो कर नहीं पाएंगे, तो आप पैटर्न नहीं रहेंगे उस पर्टिकुलर रिलीजन के। इसलिए हम देखते हैं ज़्यादा विवाद बढ़े, रॉयल पैट्रोनेज कम हुआ, इमेज वर्शिपिंग शुरू हुई और डिक्लाइन शुरू हो गया बुद्धिज्म का। जो की टर्म है वो आपने पढ़ लिया, डिक्लाइन आपको पता चल गई, कैसे बुद्धिज्म बढ़ा ये पता लग गया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हुए हैं। तो जो महासंघिका की बात आ गई, अरहत क्या होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, नॉन कॉनोनिकल टेक्स्ट कौन से हैं, किसका क्या मतलब होता है, ये सब समझना जरूरी है। किस काउंसिल के बाद डिवीजन हुआ ये आपको पता होना चाहिए, यही हमारा कोर थीम था। फिर बात आती है क्या आर्कोलॉजिकल साइट्स मिली, नालंदा में मिली है, महावीर नालंदा में, सांची में, एमपी में, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया का, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, बहुत सी चीज़ें आप आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, वहाँ वो आप कवर करेंगे, इसलिए यहाँ मैं ज़रा डिस्कस उसको कर नहीं रहा। तो ये कोर थीमें थी बुद्धिज्म की जो हमने डिस्कस करी। प्रीवियस क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछले वीडियो को जरूर देखिए, जैनिज्म बुद्धिज्म कंपेयर करिए कि कहाँ महावीर पैदा हुए, कहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, क्या डिफरेंट टेक्स्ट हैं, अगमास क्या हैं, अरहत्स क्या है, अरहत को अगमा के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना है, त्रिपिटिका को कंपेयर नहीं कर देना है, थ्री वोज या थ्री जो बास्केट्स हैं, फाइव वोज हैं, क्या क्राइम
जो था उसको किस नाम से जाना जाता था, कौन सा की टर्म था, वो डिफरेंस आपको पहचानना है जैनिज्म और बुद्धिज्म में, ताकि आप सही तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। हेरिटेज सिटी प्रोडक्ट हृदय हो या फिर जो गवर्नमेंट ने बुद्धिज्म सर्किट बनाया वो हो, इन सबको इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि हाँ इसको रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें बेहतर तरीके से याद रह पाएंगी। तो ये था ये टॉपिक, और आई होप आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म समझ आया हो और बेहतर तरीके से हमने प्रिपेयर किया हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।